माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। देशभक्ति जनसेवा, ये एमपी पुलिस का ध्येय वाक्य है और इस वाक्य को साकार कर रहे हैं गुना के बजरंगगढ़ थाने के प्रभारी अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल अपनी ड्यूटी पर यहाँ मौजूद 20 भुजा माता के मंदिर पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने देखा एक बुजुर्ग जो माता के दर्शन करने जा रहे थे लेकिन उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब ने खुद मदद का हाथ बढ़ाया और बुजुर्ग को अपनी पीठ पर बिठाया और बुजुर्ग को 20 भुजा माता के दर्शन के लिए लेकर निकल पड़े। दर्शन कराने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने बुजुर्ग को पुलिस की गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया। बजरंगगढ़ में 20 भुजा माता का मंदिर पर नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के त्यौहार में काफ़ी श्रद्धालु बाहर से दर्शन करने आते हैं जी। आज पंचमी के दिन असोनर से एक बुजुर्ग व्यक्ति दर्शन करने आए हुए थे जी, जो कि 78 साल की उम्र थी जी, और वो चलने फिरने में सक्षम नहीं थे सर। मैंने देखा उनको कि वो असहाय से बैठे हुए हैं सर। मैंने पूछा ज़्यादा क्या है, उन्होंने कहा कि मुझे माता के दर्शन करने जाना है ऊपर जी। तो फिर मैं बुजुर्ग व्यक्ति उनको अपनी पीठ पर सहारा देते हुए सीढ़ियों के थ्रू उनको ऊपर ले गया सर, और माता जी दर्शन कराए। उसके बाद फिर दर्शन कर लिए उन्होंने जब सर, तो उनको वापस में सीढ़ियों से लेकर आया सर, और बजरंगगढ़ पुलिस थाने की मोबाइल से मैंने उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचवाया। इंस्पेक्टर साहब की सेवा भाव देख यहाँ के लोग नतमस्तक हो गए। खुद बुजुर्ग ने सब इंस्पेक्टर को ढेरों आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि नवरात्र के मौके पर 20 भुजा माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पुलिस की तैनाती हर वक्त है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। फिलहाल सब इंस्पेक्टर अमित अग्रवाल का ये वीडियो वायरल हो गया है। SP गुना ने भी इंस्पेक्टर अमित अग्रवाल की तारीफ की है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।